मेरा नाम प्रेम सुख है, मैं गांव माधो सियाणा के रहने वाला हूँ, सिरसा जिला है। हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। हमारी आय का मुख्य स्रोत खेती है। खेती में चावल, कपास और गेहूं की फसलें बोई जाती है, साथ में पशुपालन। हम अपने कृषि व्यवसाय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वेदर की समस्या थी, गेहूं के अंदर पीलापन आ जाता है, उस नरमा है उसमें उखेड़ा की समस्या आ जाती है, पीली सुंडी है, गुलाबी सुंडी, इस तरह की जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट है उनके बारे में जानकारी नहीं होती। और मिट्टी की जांच कभी नहीं करवाई, ना ही मिट्टी की जांच के बारे में सही जानकारी होती। WRMS के बारे में हमारे यहाँ एक मित्र ने ये सेवाएं ले रखी है, उन्होंने कैंप लगवाया था, उस कैंप के माध्यम से हमें इनके बारे में पूरी जानकारी मिली। WRMS टीम के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी मिलती थी, फोन आते थे, वो फसल की देखभाल करते थे, 7 दिन 10 दिन के बाद कुछ कमी होती तो उन कमियों के बारे में उन्हें जानकारी देते। अगर किसी प्रकार की कोई फसल में समस्या है तो उसकी फ़ोटो जो है प्लांट डॉक्टर के पास भेजते हैं, वहाँ से 24 घंटे में रिप्लाई आती है। कोई दवाई का प्रयोग करना है तो वो प्रयोग करते हैं। हम ऐप का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारे कृषि उत्पादन में काफ़ी बदलाव आया है। प्लांट डॉक्टर से बातचीत करते हैं, मौसम के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे अगर बरसात होने की संभावना है तो हम एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाते, पानी की बचत हो जाती है। अगर किसी प्रकार की कोई स्प्रे इत्यादि की ज़रूरत पड़ती थी और पता चल जाता भी 1-2 दिन में बरसात होने वाली है तो वो स्प्रे भी हम कुछ समय नहीं करते, जिससे वो भी बचत हो जाती है। तो इस तरह से पैसे का बचाव है या खर्चा कम होता है और उत्पादन ज़्यादा होता है इससे। इसके साथ साथ भी और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे, उन लोगों को इस ऐप से जोड़ेंगे, जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जुड़ें, उनको फ़ायदा हो और साथ में उनको उनका समय भी बचाओ और वो भी एक नए तरीके से खेती प्रारंभ करें।